रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर सीरीज। मज़े व्यूअर, इस वीडियो में आपको बताने चाह रहा हूँ किस तरह आप अपने मोबाइल से लैपटॉप में बगैर डाटा केबल के अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है, वेब शेयर ज़ैपिया की ऐप है। डाउनलोड करने के बाद मैंने की हुई है, अब ओपन करते हैं इसको। इस ऐप से ये होगा कि आपको डाटा केबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अच्छी खासी स्पीड आएगी, तकरीबन 10-12 Mbps तक स्पीड आएगी डाटा की ट्रांसफ़र की। यहाँ से आप फोटोज़, ऑडियो, वीडियोज़, ऐप्स तक आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपने इधर वीडियोज़ वगैरह पे एक एक दफ़ा क्लिक करना है। जब आपने न्यू ऐप इंस्टॉल की हो तब ये होगा कि इसको परमिशन मिल जाएगी एक्सेस करने की, वीडियोस, फाइल्स, डाटा की तमाम फाइल जैसे कि ऐप्स, ऑडियो, फोटोज़ वगैरह की परमिशन इसको मिल जाएगी, एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद ये दो एरो हैं, इन एरो पे आपने क्लिक करना। यहाँ पे ये देखें आ रहा है ट्रैक टू वन वेब शेयर और नीचे पासवर्ड और ये IP एड्रेस। अब आपने ये करना है कि आपने लैपटॉप में जाना है, उधर वाईफाई ऑन करना है, वहाँ पे आपने नेटवर्क सर्च करना है। जैसा कि अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहाँ से ये कनेक्ट करके दिखाता हूँ सारा ये होता है किस तरह। उसके अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं, लैपटॉप पे आ गए। लैपटॉप पे आपने इधर वाईफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ पे ये देखें ये सिग्नल आ रहे हैं जो उधर से आउटपुट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड लिखना है जो नीचे लिखा हुआ था। ये ऑप्शन लेता है पासवर्ड का। देखिए असल में मैंने ऑलरेडी पासवर्ड लगाया हुआ है तो वो सेव हुआ हुआ है, इसलिए इसने दोबारा पासवर्ड नहीं मांगा। लेकिन आपने पासवर्ड देना है, पासवर्ड देते वक्त कैपिटल और स्मॉल लेटर का ख्याल रखें, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा होगा तो आपने स्मॉल लेटर में लिखा तो ये रॉन्ग कहेगा। अब ग्राम पे आ जाना है। अब आपने जो नीचे IP एड्रेस लिखा हुआ था वो आपने लिखना है ज़ैपिया वेब शेयर में। वो IP एड्रेस था ये 192.168.4.1। देखें ये ओपन हो चुका है बिल्कुल। ये वीडियोस सब कुछ, मोबाइल का कंप्लीट डाटा यहाँ पे आ गया। ऑडियोज, ऐप्स, यहाँ से आप कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि अपने लैपटॉप में कर सकते हैं। अगर आपने कोई फाइल लैपटॉप से मोबाइल में भेजनी हो तो यहाँ से आपने अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने अपने लैपटॉप में भेजनी है। सॉरी, आपने अपने मोबाइल में भेजनी हो लैपटॉप से, वो वाली फाइल आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। और ये एक और इसका बहुत फीचर है, यहाँ से देखें आप ऑल तमाम को सिलेक्ट कर लें, ऑल सिलेक्ट कर लें और इसको डाउनलोड कर लें। ये ज़िप फाइल में आपकी तमाम फाइल जो है डाउनलोड हो जाएंगी, जैसे इमेज, फोटोज, ये भी आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं और ये एक ही फाइल में आपकी तमाम जो है बैकअप बन जाएगा। इसी तरह आप अपने मोबाइल की स्क्रीन भी देख सकते हैं। ये देखें ये स्क्रीन दिख रही है, ये देखें। और उसके बाद आप अपने मोबाइल का कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। ये देखें अब कैमरा चल रहा है, ये देखें। थैंक फॉर वॉचिंग। मजीद ऐसी वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद ऐसी वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।